आज गुलमर्ग के ऊपर कर्नाटक को बता दिया कि स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई ठहर सकती है वो है जनता दल पार्टी। ये लोगों की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे रहती है, टेंडर्स पे रहती है, अपने फेलियर छुपाने के लिए ये सब चीजें हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं ज्यादातर उनका। कोविड पेंडेमिक आने के बाद जो है ये लोग एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप बढ़ाना चाहिए था, एक्चुअली बुजुर्गी है, आज इनकी बुजुर्गी की वजह से आज ये स्टूडेंट्स परेशान है। ये हुकूमत एंटी स्टूडेंट है और एंटी माइनॉरिटी है, और ना कोई स्टूडेंट ना कोई पेरेंट्स ये कल के दिन हमारे ऊपर जनता दल पार्टी वालों पे उंगली उठा सकेंगे कि आप लोग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज नहीं उठाए। ये लोग टोटली इसको ब्रेक करके बढ़ाने के बजाय घटाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारा हक हमें नहीं मिलेगा तो हम रोडों पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट इसी तरह चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम उठेंगे नहीं। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। अरे डर गया क्या, ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे मोदी सुन ले, ऐसे बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बेके बेको गुलबर्गा नॉर्थ मिले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलबर्गा साउथ मिले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये देखिए 300 स्कॉलरशिप है जो रिजेक्ट हुए, फॉर्म है ये बच्चों की, मतलब 300 स्कॉलरशिप रिजेक्ट होना इसका ये मतलब है 300 बच्चों का मुस्तकबिल खराब होना, उनका एजुकेशन ड्रॉप आउट होना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये फाइल जैसा एक फाइनेंस मिनिस्टर पीएम नहीं होम मिनिस्टर लिख जाते हैं बजट के वास्ते, ये भी बजट है स्टूडेंट का। एक एक बच्चा इसके अंदर मेडिकल कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, पीयूसी के है, टेंथ के है, हाई स्कूल प्राइमरी सेक्शन के पूरे बच्चे इसके अंदर 300 स्टूडेंट है, ये 300 स्टूडेंट का रिजेक्ट हुआ ये एप्लीकेशन। अब इसके जिम्मेदार कौन है इसके, तो ये जा रहे हम लोग के थ्रू डिप्टी कमिश्नर साहब से, ये सारे स्कॉलरशिप जो रिजेक्ट स्कॉलरशिप फॉर्म से ये सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करना और इनको इनका हक मिलना, इनके जो रिजेक्ट हुए तो क्यों रिजेक्ट हुए वो भी बताना है, रिजेक्ट की वजह तो बताना है। जबकि एलिजिबल कैंडिडेट एलिजिबल स्टूडेंट रहा तो भी रिजेक्ट करते हैं ये लोग, कहाँ जाना वो गरीब लोग, तो मीडिया के थ्रू ये जाना बहुत ज़रूरी है स्टेट और सेंटर में। तो मीडिया से भी हम रिक्वेस्ट करें कि ये इश्यू को आप बताइए, अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो इसमें मीडिया भी रहेंगे, आप भी बच्चे हैं। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनता दल पार्टी लेबर विंग से आज यहाँ पर हम लोग विधानसभा आए हैं। पिछले 7 दिन से गुलबर्गा देख रहा है कि किस कोशिशों से हम लोग ये कैंपेन्स कर रहे हैं, स्टूडेंट अवेयरनेस कैंपेन एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो दो चीज़ें यहाँ पर, खुशी की भी बात है, गम की भी बात है। खुशी की बात यह है कि आज JDS की हमारी टीम कभी ये जो प्रोटेस्ट में सारे लोग गए और प्रोटेस्ट करे और इस प्रोटेस्ट को कामयाब करे, जो मैसेज हमारे को स्टेट और सेंटर तक पहुँचाना था वो पहुँचा है। मगर अफसोस की बात यह है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो आना था, जो ज़रूरत थी आने की, वो लोग नहीं हैं। और जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स, कम से कम स्टूडेंट नहीं ठीक है पेरेंट्स तो आना था। ये देखिए ये जो बुजदिली है, ये एक्चुअली बुजदिली है, ये आज इनकी बुजदिली की वजह से आज ये स्टूडेंट्स परेशान हैं। कल के दिन हम लोगों को ये बात का कभी अफसोस नहीं रहूँगा कि हम स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाए, और ना कोई स्टूडेंट ना कोई पेरेंट्स ये कल के दिन हमारे ऊपर जनता दल पार्टी वालों पर उंगली उठा सकेंगे कि आप लोग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज़ नहीं उठाए, क्योंकि हम लोग आवाज़ लगाए आज। आज जगत सर्कल से लेकर DC ऑफिस तक पद यात्रा पैदल है, आवाज़ लगाए हम लोग, और पूरी मेहनत करें और पूरे स्कॉलरशिप के फॉर्म्स डिप्टी कमिश्नर के थ्रू गवर्नर ऑफ कर्नाटक का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डायरेक्टर इनफैक्ट HD कुमार स्वामी सर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जनता दल पार्टी के, उन तक भी हम लोग का फाइल पहुँचा दिए सर। अब यहाँ से ये देखना है कि ये BJP हुकूमत जो स्टूडेंट्स में आज जात धर्म के नाम पर जो स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट करे सो है, जो बांट दिए सो है, ये स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप अपने फेलियर छुपाने के लिए ये सब चीज़ें ये बदमाशी कर रहे हैं जात धर्म का। स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी है चीज़ों को और होश में आना, आज वक्त है आप लोगों को आवाज़ उठाना। आपके लिए ना कांग्रेस ठहरेंगी ना BJP ठहरेंगी, आज हम ये प्रोटेस्ट कर आपको साबित कर दिए। आज गुलबर्ग को पूरे कर्नाटक को बता दिया कि स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई ठहर सकती है वो है जनता दल पार्टी। हिजाब के मामले में भी जनता दल पार्टी ठहरी थी, गौरक्षा बिल के मामले में भी जनता दल पार्टी ठहरी थी, आज स्टूडेंट स्कॉलरशिप के मामले में भी जनता दल पार्टी ही ठहरी। तो आप तमाम लोगों से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको तुम लोग जिता के लाते हैं कांग्रेस BJP, ये लोग सिर्फ इन्हें इलेक्शन के नज़दीक, अब देखिए इलेक्शन नज़दीक आया, असेंबली इलेक्शन है, अब ये लोग कसरत से दावतों अटेंड करेंगे, कसरत से ये लोग औरतों को स्लाइंग मशीन बांटते, अब
गरीबों को पेंशन की बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, दवाखाने ले जाएंगे, पैसा देंगे, डोनेशन देंगे, बहुत चीज़ें करेंगे। ये सिर्फ इलेक्शन के नज़दीक, यहाँ से पिछले चार साल आप देखिए ना, कोविड में ये लोग तुम्हारे काम में नहीं, यहाँ ना आपके बच्चों के स्कॉलरशिप में काम में, कोई चीज़ में काम नहीं आ रहे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ इस बार गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जनता दल पार्टी के ही उम्मीदवारों को जिता के लाना है और जनता दल कुमार स्वामी, एच डी कुमार स्वामी साहब को ही चीफ मिनिस्टर बनाना है। थैंक यू। आज जो है यहाँ पर डीसी ऑफिस के पास हमारे लेबर सर जो सदर हैं श्री शाब्दी साहब के नेतृत्व में जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है बोले तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का जो मसला चल रहा है हैदराबाद कर्नाटक के अंदर, ये बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बीजेपी सरकार आने के बाद, ये कोविड पेंडेमिक आने के बाद जो है ये लोग एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप बढ़ाना चाहिए था। ये स्कॉलरशिप तोड़े टोटली एजुकेशन जो पेंडेमिक होता है जब कोविड होने के बाद, ये लोग टोटली उसको ब्रेक करके बढ़ाने के बजाय घटाने का काम कर रहे हैं। तो हम सरकार से और यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर से और यहाँ के MLA से ये हम मनी पत्र ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप इमीडिएट इसके ऊपर जहन तवज्जो दीजिए और ये बैठ के एक मीटिंग करके यहाँ पर जो 300 फॉर्म जो अभी दिए हमारे शिराज शब्दी साहब PC के थ्रू हम जो गवर्नर को भेजा रहे हैं उसके ऊपर जो मेजर है ये रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है। इसके अंदर मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, दूसरे तमाम स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप के फॉर्म रिजेक्ट करें, उसकी वजह हमारे को इमीडिएट रिप्लाई देना, राइटिंग में रिप्लाई देना और इमीडिएट हमारे को जो है इनकी जो स्कॉलरशिप है वो रिलीज करना बोल के आज मीडिया के थ्रू इस मौके पर बोलना चाहते हैं। आज जनता दल सेकुलर लेबर विंग की जानिब से स्कॉलरशिप्स और लोन्स के लिए जो माइनॉरिटीज़ आज की तारीख में कर्नाटका में जद्दोजहद कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ में, हुकूमत के ख़िलाफ़ में एक एहतजाज DC ऑफिस में आकर हमारा दर्ज करवाया है। ये हुकूमत एंटी स्टूडेंट है और एंटी माइनॉरिटी है। अब जब ये दोनों चीज़ें सामने आती हैं तो हमें समझ में आता है कि ये लोगों की ना तो ये कोशिश होती है कि मुसलमानों को हो या फिर दूसरे माइनॉरिटीज़ को हो कि उनको ऐसी सहूलत हासिल हो सके जिससे उन्हें आला तालीम हासिल कर सकें, ना ही वो चाहते हैं कि उनको नौकरियां हासिल हो सके। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि BJP के कुछ MLAs मुसलसल 2B जो माइनॉरिटीज़ को हासिल है, मुसलमानों को खास करके हासिल है रिज़र्वेशन, उसको ख़त्म करने की बात बार बार कर रहे हैं। यहाँ पर आज जो हमारा प्रोटेस्ट है ये जाहिर करता है कि यहाँ माइनॉरिटीज़ को कर्नाटक में कितनी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। 15-point प्रोग्राम की जो कमेटी होती है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, वो एक बहुत ही ज़िम्मेदार कमेटी होती है जो रिव्यू करती है तमाम तर माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड स्कीम्स को, और चाहे वो SSP हो, चाहे वो NSP हो, चाहे वो KMDC हो, ये चीज़ें हमारे इस 15-point प्रोग्राम के मातहत आती हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दोनों MLAs इस कमेटी के अंदर शामिल होते हैं, चाहे वो गुलबर्गा नॉर्थ की हो MLA, गुलबर्गा साउथ का MLA हो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि रिव्यू कमेटी के अंदर वो शामिल रहें और सवालात उठाएं माइनॉरिटी से रिलेटेड तमाम तर मसाइल के बारे में। हो क्या रहा है कि ये लोगों की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पे रहती है, टेंडर्स पे रहती है, और जहाँ पर ह्यूमैनिटी को डेवलप करने की बात हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स को फ़ायदा करवाने की बात हो, वहाँ पर ये लोग खामोश रह जाते हैं। यही बात है कि जो सही अंदाज में स्कॉलरशिप्स को डालना और तमाम तर जो परेशानियाँ दुश्वारियाँ हो रही हैं स्टूडेंट्स को, उसको दूर करने का मामला जब आता है तो उसके अंदर उनको कोई इल्म ही नहीं है कि हो क्या रहा है और कैसे उसको सॉल्व किया जाए। DC के अंडर में जो कमेटी कायम है वो कमेटी की मीटिंग शायद ही साल में एक बार होती है, जबकि उसको क्वार्टरली मीटिंग अरेंज करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो कर क्या रहते हैं कि वो साल में एक बार मीटिंग करते हैं। और हमारे जो MLAs हैं वो सवाल नहीं उठाते हैं ये तमाम ये अरिवो स्कीम के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, तब जाकर ये मसले हल हो सकते हैं जब ये लोग सवाल उठाएंगे। स्टेट लेवल पर 15-point प्रोग्राम कमेटी है, वहाँ पर भी हमारे जो MLAs हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, MPs हैं उसके अंदर, मुस्लिम MPs हैं, वो लोग भी सवाल नहीं उठाते हैं। तो ये तमाम तर मामलात को लेकर हम ये चाह रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म पैमाने पर हुकूमत जो साजिश कर रही है माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ में, उसके ख़िलाफ़ में हम ये आवाज़ हमारी दर्ज कर रहे हैं और स्कॉलरशिप को सही अंदाज में लोगों तक पहुंचाने के लिए, स्टूडेंट्स को पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश हम आगे भी हम करते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोटेस्ट के बाद में वो फौरी तौर पर हरकत में आए। हम यहाँ पर 300 से ज़्यादा रिजेक्टेड फॉर्म सबमिट किए हैं
और उम्मीद करते हैं अगर वो नहीं करते हैं तो हम उसके खिलाफ में और एक बड़ा एहतजाज दर्ज करवाएंगे। हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, छोटे बड़े, और वो स्कॉलरशिप आई तो ज़रा सहूलत होती थी, बच्चों को पढ़ा सकते थे हम। उससे स्कॉलरशिप नहीं आने से बहुत मुसीबत हो रही है हम लोगों को। पैसे आए तो थोड़ा हेल्प होती थी, बच्चे आगे जा पढ़ते थे हमारे। तीन तीन साल लॉकडाउन जब से स्कॉलरशिप नहीं आई से हमारी। कॉलेज की स्टूडेंट हूँ मैं, हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही। हम आज प्रोटेस्ट इसीलिए करेंगे, हमारी स्कॉलरशिप नहीं आ रही तो हमारी स्कॉलरशिप हमें चाहिए। अगर हमारा हक हमें नहीं मिलेगा तो हम रोडों पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट इसी तरह चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम उठेंगे नहीं।